नमस्कार दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट में दो तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक वो पेशेंट होते हैं जो पहली बार सर्जरी करा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट। एक वो पेशेंट आते हैं जिनकी सर्जरी पहले हो चुकी है, हिप रिप्लेसमेंट कहीं और हो चुका है, लेकिन पेशेंट परेशान है, उनको दर्द है, या वो लंगड़ा रहे हैं, या उनको पस आ रही है ऑपरेटिव साइट से, तो उनकी दोबारा सर्जरी होती है। इनको हम कहते हैं रिविजन हिप रिप्लेसमेंट। तो आज हम रिविजन हिप रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। रिविजन रिप्लेसमेंट्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, उसके काफ़ी कारण होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उन कारणों पर गौर करेंगे कि रिविजन क्यों करानी पड़ती है। दो मेन कारण होते हैं रिविजन के। एक होता है कि पेशेंट को ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन हो गया है, और दूसरा होता है कि इम्प्लांट लूज हो गया है। जो सॉकेट या स्टेम हम डालते हैं वो अपनी जगह पे ग्रिप नहीं कर पाए, वो लूज़ हो गए हैं। और एक थर्ड रीज़न होता है कि पेशेंट का, जैसे कई बार गिर जाता है पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है या डिसलोकेट हो जाता है बार बार, तो उसमें भी हमें रिविज़न करनी पड़ती है। अब रिविज़न सर्जरी में सर्जन के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, आपको हम इसीलिए समझा रहे हैं कि जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो सर्जन और आप एक तरह से टीम की तरह काम करते हैं। आपको बीमारी को समझना ज़रूरी है। एक रिविज़न सर्जरी के टाइम वक्त ज़्यादा लगता है सर्जरी में, रिकवरी स्लो होती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, आपका खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एक नॉर्मल हिप से। ये हमारा एक नॉर्मल हिप का मॉडल है, हिप रिप्लेसमेंट का। इसमें ये हमारी सॉकेट होती है, बोनी सॉकेट है, जिसमें हम कप लगाते हैं। ये हमारी फीमर है, जिसमें हमारा स्टेम होता है, और इस तरह से हिप रिप्लेसमेंट का, हम जो प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम सॉकेट की तरफ शुरू करते हैं। प्राइमरी सर्जरी में ये सॉकेट बिल्कुल इंटैक्ट है, हमारे पास चारों तरफ बोन होती है, हम आराम से सॉकेट को फिक्स कर देते हैं। अगर आप सॉकेट को ध्यान से देखें तो इसमें छेद बने होते हैं स्क्रू लगाने के लिए। लेकिन प्राइमरी सर्जरी में, फर्स्ट टाइम सर्जरी में, बोन की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि 90% ऑफ द टाइम्स हमें स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिंपली सॉकेट को प्रेस फिट कर देते हैं। लेकिन जब पेशेंट रिविज़न के लिए आता है, नॉर्मली ये बोन नहीं होती है, ये पूरी डैमेज्ड होती है, और ख़ासकर जब सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया जाता है प्रीवियस सर्जरी में, तो ये पूरी बोन हमें डैमेज मिलती है। तो ऐसे में हम नॉर्मल सॉकेट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें स्पेशल इम्प्लांट्स सॉकेट के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसी तरह अगर हम फीमर की बात करें, अगर थाई बोन की बात करें, तो नॉर्मली हमारा स्टेम ऐसा होता है जो अच्छे से ग्रिप कर जाता है, लेकिन जब रिविज़न होता है तो ऊपर का जो लगभग 5-6 इंच की बोन होती है, ये पूरी डैमेज्ड मिलती है, ख़ास तौर पर सीमेंटेड इम्प्लांट्स में। इसी वजह से हम सीमेंटेड इम्प्लांट्स को इतना डिस्करेज करते हैं बार बार, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। तो जब हम सर्जरी करने जाते हैं तो हमें ऊपर की 5 या 6 इंच की हड्डी बिल्कुल लूज़ मिलती है या सॉफ्ट होती है, तो हमें रिलाय करना पड़ता है नीचे वाली बोन पर, तो उसके लिए भी हमें स्पेशल इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि ये सर्जरीज लंबी होती हैं, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी ज़्यादा होता है, और आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है। ये एक नॉर्मल सॉकेट है जो हमारी कप में फिट होता है, नॉर्मल इसमें फिट होता है। आप देखें, बिल्कुल नॉर्मल सॉकेट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 स्लॉट्स बने हुए हैं स्क्रूज़ के लिए, क्योंकि हमारी बोन क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि हमें 1 या 2 स्क्रू लगाते हैं, कई बार हम लगाते भी नहीं। ये एक प्राइमरी हिप के लिए आपका कप है, इसके अंदर हमारा लाइनर लग जाता है और इस तरह से हमारा कप फिक्स हो जाता है। लेकिन रिविज़न सर्जरी में हमारे पास बोन क्वालिटी, जो ये बोन है, ये अवेलेबल नहीं होती है, बहुत कम जगह पे हमें बोन मिलेगी, पूरा डैमेज मिलेगा, तो उसमें हमें इस कप के अंदर स्क्रू ऑप्शंस ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप ये कप देखें, इसमें अगर आप देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम कहीं भी स्क्रू डाल सकते हैं चारों तरफ। या इस तरह के कप होते हैं जिसमें हमारे पास अंदर तो 3 ही ऑप्शंस हैं, लेकिन पेरीफ्री पे बहुत सारे स्क्रू डाल सकते हैं, तो हमारे कप को होल्ड करने के लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। इसके भी आगे अगर हम चलें तो ये एक इस तरह का कप आता है जिसमें कुछ स्क्रू ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी हैं, आप देख रहे हैं मल्टीपल स्क्रूज के ऑप्शन हैं,
और अगर हमें कहीं भी अच्छी बोन क्वालिटी मिलती है तो ये जो मेटल है ये इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसके थ्रू ड्रिल करके स्क्रू डाल सकते हैं, यानी कि जहाँ भी हमारा मन करे हम इस मेटल के थ्रू भी ड्रिल कर सकते हैं। ये पोरस मेटल होता है, इसके अंदर बोन ग्रोथ की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरह के सॉकेट्स हमें रिवीजन में यूज़ करने पड़ते हैं, और एक तरह से सर्जन की क्रिएटिविटी वहाँ काम आती है कि मुझे कप को किस एंगल पर फिक्स करना है और मेरा स्क्रू ऐसी जगह पर जाए जहां मुझे होल्ड मिले ताकि पेशेंट का कप बाद में लूज ना हो। रिवीजन सर्जरी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है, अगर पेशेंट को तीसरी बार सर्जरी करानी पड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेम की। तो हमारा फीमर जो है, मैंने जैसे बताया, इनिशियल 5 और 6 इंच हमारे पूरे डैमेज होते हैं। जैसे हमारा प्राइमरी अगर हम देखें स्टेम, तो ये लगभग इतना लंबा होता है। इसको जब इसमें फिट करते हैं, नॉर्मली अगर हम स्टेम को इसमें फिट करते हैं तो ये लगभग यहाँ तक जाता है। आप देख सकते हैं लगभग यहाँ तक जाता है। अब रिविजन के टाइम जब ये बोन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें लंबा स्टेम इस तरह का लेना पड़ता है। आप देखिए ये पूरा नीचे तक जाते हैं, इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, और हमारी जो हेल्दी बोन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये उसमें ग्रिप करते हैं, ये रिविजन स्टेम्स होते हैं। ये स्पेशल इम्प्लांट्स होते हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनको हैंडल करना, इनको बोन में फिट करना एक बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब है। रिवीजन सर्जरीज बहुत अच्छे सेंटर्स पर, वेल इक्विप्ड सेंटर्स पे ही इसलिए ज़रूरी है कि ये पेशेंट्स आमतौर पर लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रुकते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और कई बार आईसीयू की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो मेरा मैसेज यही है कि रिवीजन से हमें बचना चाहिए। उसके लिए हम जो सर्जिकल टीम हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम तो बहुत प्रिकॉशन लेते ही हैं, लेकिन आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम इन्फेक्शन से कैसे बचें। इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स में, सर्जिकल पेशेंट्स में हो जाता है। और जब इन्फेक्शन होता है तो नॉर्मली एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। सर्जन पेशेंट्स को कहते हैं और पेशेंट सर्जन को कहते हैं कि किसकी गलती है। हम उसकी तरफ ध्यान ना दें, हम ये देखें कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज ए पेशेंट जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप एक कंप्लीट हिस्ट्री बताइए, आप अपनी जो पुरानी बीमारियां हैं, जो भी डिजीज़ हैं, जो भी दवाइयां आपने ली हैं उसके बारे में पूरा बताना चाहिए। आपने मान लो स्टीरॉयड लिए हैं, या आपने पहले कोई इंजेक्शन लगवाया है उसी जॉइंट में, या कोई आपने मसाज कराई है, इस बारे में बताइए। अगर आपको रेगुलरली मान लो फीवर आ रहा है, या जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन है वहाँ बार बार स्वेलिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। दूसरा होता है कि पेशेंट कई बार सोचता है कि अगर मुझे हिप रिप्लेसमेंट कराना है और मुझे बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन, मान लो दांत में इन्फेक्शन है आपके या आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, इन्फेक्शन हमेशा ब्लड के थ्रू फैलता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर को पूरी इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि हम ऐसे इन्फेक्शन के सूरत में हमेशा प्री ऑप एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। ऑपरेशन से कुछ हफ्ते पहले ही हम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और आप इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तीसरा होता है कि जो ड्रेसिंग है, जो हम जहाँ सर्जरी करते हैं वहाँ एक ड्रेसिंग करते हैं, उस ड्रेसिंग को बिल्कुल ड्राई रखना है, सूखा रखना है। ड्रेसिंग दो तरह से गीली हो सकती है, बाहर से गीली हो सकती है, जैसे पेशेंट स्पंज करता है, क्लीनिंग करते हैं, कई बार पानी गिर जाता है उसके ऊपर, तो एक वो सूरत है। दूसरा होता है कि ड्रेसिंग अंदर से गीली हो रही है, वूंड के अंदर से, घाव के अंदर से कुछ पानी जैसा निकल रहा है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो आप इमिजिएटली अपने सर्जन को इन्फॉर्म करें और ड्रेसिंग को चेंज कराएं, कभी भी ड्रेसिंग को खुद चेंज करने की कोशिश ना करें। नंबर 3, जो भी एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती है और जो भी मेडिसिन हम ऑपरेशन के बाद आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उनको रेगुलरली लें। फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है या इस तरह की कोई सिस्टमिक डिजीज़ है तो उन मेडिसिन को भी इग्नोर ना करें, अदरवाइज वो भी इन्फेक्शन में कंट्रीब्यूट करती है। अगला पॉइंट आता है लूजनिंग को कैसे अवॉइड करें। हम हमेशा आपके लिए बेस्ट इम्प्लांट सेलेक्ट करते हैं, बट आप लोगों को एज ए टीम मेंबर इम्प्लांट सेलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम कौन सा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं, और आपको हमेशा इतनी बड़ी सर्जरी से पहले मल्टीपल ओपिनियंस लेने चाहिए, कुछ डॉक्टरों से अलग अलग बात करनी चाहिए।
ताकि आपको फाइनली पता चले, क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप जितने लोगों से मिलेंगे आपको एक वाइड ओपिनियन मिलेगा और एक फाइनल डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। लास्ट, जो प्रिकॉशंस आपको बताई जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ये चीज़ अवॉइड करनी है, और कभी भी कंपेयर मत कीजिए कि वो पेशेंट तो 3 दिन में चलने लग गया, वो पेशेंट तो सेम डे चलने लग गया, मेरे को 2 महीने बेड रेस्ट क्यों बताया है। तो ऐसे कंपीट नहीं करना है, क्योंकि हर पेशेंट और हर पेशेंट की डिजीज़ अलग अलग है। डॉक्टर आपको जो भी बताते हैं प्लीज़ फॉलो इट। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स वाई यू आर ए टीम मेंबर। लास्ट, अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई पेन हो रहा है, कोई स्वेलिंग आ गई है, या अचानक आपको कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, तो इमिजिएटली अपने सर्जन से कॉन्टैक्ट करें। खुद पेन किलर लेना या खुद ही ट्रीटमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज पर चीज़ें बड़ी ईजिली मैनेज हो जाती हैं, जब आप लेट स्टेज पर आते हैं तो चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं और उसमें कई बार रिजल्ट पूरा नहीं आता है। तो आई होप कि आप हमारे साथ, सर्जन टीम के साथ, सर्जिकल टीम के साथ एक टीम की तरह काम करेंगे, और हम हमेशा अपनी जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।